Rosia, come, 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 Rosia. Enter. Enter. Yes, sir, center. Cast of this movie Cross. Please give a huge round of applause for the star cast of this movie Cross. Wait. Center. I just mentioned the names of the artist, which is Leena Kapoor, Sameer Khan, Ranjish Singh, Mahesh Kumar and Yogi Raj. मुझे मेरी पुरानी टीम बरखा के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरा करेक्टर है ये बहुत ही हॉरर और बहुत ही प्यारा करेक्टर है. ये मूवी अभी ऑन फ्लोर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी. लेट्स सी, देखते हैं. फिर आपसे मैं चाहूँ क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और क्या किरदार निभाएगा? हम लोग कुछ खास किरदार हैं इसमें, जैसे कि कुछ फ्रेंड हैं हम लोग, कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ जाते हैं अपना हॉलीडे करने, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि सारा चीज़ ये क्रॉस जो फिल्म का नाम है, क्रॉस मिलने पर वो चीज़ मालूम होता है, बाकी चीज़ स्टोरी पर क्लियर हो जाएगा. सर आप बताइए क्या कितने एक्साइटेड हो, कितना कौन सा किरदार निभाने वाले हैं? मैं इस फिल्म में कुणाल का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरे चेहरे पर इतनी शराफत दिख रही होगी वो बहुत ज़्यादा दिखेगी फिल्म में आपको. और इस फिल्म एक हॉरर है, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री है. जो हादसाएं हम लोग के साथ होती है वो सारे रिलेट क्रॉस से करती हैं. मेरे डायरेक्टर साहब ने जो विज़न मुझे बताया सुन के मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे राइटर साहब ने कहानी को इतनी अच्छी से गढ़ी है, दिल खुश हो गया. आप लोग के पास आएगा जब ये, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा. ये फिल्म एक्चुअली है तो हॉरर लेकिन इसमें ड्रामा, ट्रेजेडी, सस्पेंस, थ्रिल सबका इसमें समावेश है. लेकिन आज के दौर में कितना समझते हैं कि हॉरर फिल्म को कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हॉरर फिल्म में कमी आती हैं और बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ट्राई किए हैं लेकिन उतना ज़्यादा कमेंट नहीं हो पाया. मेरा एक तजुर्बा है सस्पेंस थ्रिलर हॉरर का 30-32 साल का, वो ये है कि ऐसी फिल्में ना बहुत अगर हिट ना हो, सुपर डुपर हिट ना हो, तो एक फिल्म का मार्केट है और वो हमेशा रहता है. तो शूटिंग शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए कि कब शूटिंग शुरू होने वाली है, कब तक पर्दे पर आने वाली है? शूटिंग लोकेशन कहाँ की रहेगी? 10 तारीख से कर रहे हैं और कुछ तो हम मुंबई के आसपास कर रहे हैं और कुछ नैनीताल करने वाले. सर आप क्या करने देंगे, कैसे जुड़े हैं? और बेसिकली बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इस फिल्म में मैं जुड़ा हूँ. एक इंस्पेक्टर आने हैं. दिस स्टोरी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द गर्ल एंड इंस्पेक्टर लाने. एक ग्रे कैरेक्टर होता है उस हिसाब का मेरा कैरेक्टर. बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप लोग सब थिएटर में देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा. जसपाल जी आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है हॉरर फिल्म बनाने का, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपने हॉरर फिल्म करके अभी भी कर रहे हैं, क्या आकर्षित करता है हॉरर फिल्म बनाने के लिए आपको? हाँ जी, क्या आकर्षित अट्रैक्ट क्या करता है? ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं हम लोग. ऑडियंस जो हमारी समझो इंडियन ऑडियंस है 50% हॉरर फिल्मों को पसंद करती है और हॉलीवुड में तो उसका क्रेज ज़्यादा है, तो बस यही ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं. लेकिन आज के समय में कितना एक्सेप्टेबल समझते हैं कि दर्शक करेंगे इस तरह? सर अगर देखा जाए तो जो मास ऑडियंस है हमारी हॉरर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से ज़्यादा है, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हैं. हाय, माय नेम इज़ योगी राज और मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं इस पिक्चर में क्या कर रहा हूँ. इसका नाम है क्रॉस.
इसके ऊपर जो मोमबत्ती लगी हुई है सारी की सारी, वो सब मैंने लगाई है, तो आगे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। मतलब मैं अच्छा तो कुछ नहीं करूँगा, जो भी होगा वो बुरा ही होगा, और हमेशा बुरा ही करता रहा हूँ, करता रहूँ। अभी 20 तारीख को हमारी पिक्चर आ रही है, और ये क्रॉस जो है वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी हिट होने वाली है, बिकॉज आई लव द स्टोरी। सर ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, जैसे सुन के मैंने पहले दिन ही हाँ बोल दिया। डेट्स का लोचा होगा सर थोड़ा सा, डेट्स का थोड़ा लोचा होगा, पर मैंने हाँ बोल दिया था। गहराई मतलब ये है कि भाई दर्शक बैठे रहे और फिल्म का आनंद ले। लीना जी इसके अलावा और क्या कर रही हैं बताइए, और कोई प्रोजेक्ट जो आप करने वाली हैं, करना चाहती हैं, और वेब सीरीज जो कॉन्सेप्ट है उसके बताइए कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं तो वेब सीरीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे चल के। या ऑफ कोर्स वेब सीरीज क्यों नहीं करना चाहती हूँ, और मेरी अपकमिंग मूवीज है गुल मलाला एंड दबंग 3 और क्रॉस, और बहुत सारी साउथ की प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे रिलीज होने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे बड़ा प्रोजेक्ट है अनिल कपूर जी के साथ में, तो वो भी मेन है, मेरा अच्छा करेक्टर है उसमें, वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो बस अब सलमान के साथ पिक्चर कर ली तो दबंग 3 में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कैसा अनुभव था या क्या किरदार निभाने में सबसे बड़े अचीवमेंट आपके लिए करियर के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? या फर्स्ट सलमान जो है, जितना मैंने न्यूज़ में और बाहर और एक नॉर्मल लाइफ में सुना है उनके बारे में कि सलमान ऐसे हैं वैसे हैं, एक्चुअली में वो बहुत सीधे और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही डिसेंट है, सिर्फ अपना काम और अपनी दुनिया में बिजी रहने वाला इंसान है और बहुत अच्छा है। और मेरा जो करेक्टर है दबंग 3 में वो है एक किडनैप गर्ल का करेक्टर है, जो बहुत ही अच्छा होता है कि जिसपे लाइक मैं किडनैप हो गई हूँ और सलमान मुझे बचाने आ रहा है, जो आई थिंक दबंग 1 का कुछ उन्होंने सीरीज का कुछ तो ऐसा किया था। सो बहुत अच्छा करेक्टर है, आप लोग देखेंगे मज़ा आएगा। और सर क्या कहते हैं कि आगे चल के किस तरह के प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं आप डायरेक्टर के तौर पे? मेरा जो टेस्ट है एक्चुअली वो सस्पेंस हॉरर एक्शन इसी तरह का है, और ऐसे ही करूँगा इसी तरह के प्रोजेक्ट। जैसे आप बताइए कि सिंह मल्टीमीडिया क्रिएशन का जो आपने स्थापना किया, क्या विजन है आगे चल के प्रोड्यूसर के तौर पर, क्या प्रोजेक्ट्स को बैकअप करेंगे और क्या दर्शकों को पेश करेंगे आप? आगे भी हम भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, एक्शन का भी चल रहा है, बाकी देखते हैं जैसे आगे आगे क्या हिसाब से करेंगे, इन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाएंगे। हम लोग, मेरा नाम समीर खान है और हम लोग फिल्म से काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म, तो हॉरर है और भी इसमें इसका फिल्म का कंटेंट काफ़ी डिफरेंट है और दर्शकों को और ऑडियंस को काफ़ी फिल्म पसंद आएगी क्योंकि इसका कंटेंट और स्टोरी जो है काफ़ी डिफरेंट है और हमने ऑडियंस को मतलब ध्यान में रखते हुए ये फिल्म को बनाई है। एक्चुअली हॉरर फिल्म हमने कई सारे वाराणसी में मॉडलिंग शो किए और कुछ थिएटर भी किए वहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ बहुत सारे ऑडिशन कुछ ऑडिशन दिए, पूरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को हमारा रोल और वर्क अच्छा लगा क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए चुना गया हमें, और काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और हम लोग शूट बहुत जल्दी एक दो दिन बाद इसका शूट चालू कर देंगे। अच्छा, दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा जी, और उम्मीद है कि मतलब इसी साल में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। हाँ, मेरा नाम रंजेश सिंह है और ये मेरी तीसरी फिल्म है, इससे पहले मैंने दो फिल्में एज ए मैन लीड कर चुका हूँ, एक द ट्रैप और क्या तुम तो सेंसर भी हो चुकी है, वो जल्दी सिनेमाघर में आ जाएगी, और दूसरी है द ट्रैप, उसमें थोड़ा सा एक सॉन्ग बाकी है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये मेरी तीसरी फिल्म है
ऐसा वगैरह, मेरा वेब सीरीज वगैरह बहुत सारे हैं, कॉमेडी का भी मेरा बहुत सारा है। और बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, तो ये फिल्म करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। लोग काफी यंग है, सो क्या एक्सपेक्टेशन है आगे आने वाले समय में इस फिल्म से? आपका करियर जुड़ा हुआ है इस फिल्म से, दोनों जन की बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, इससे करियर तो मेरा बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको तुरंत से हाँ कर दिया। और मुझे जहाँ तक लगा कि अभी तक मैंने जो भी फिल्में की है उससे ये बेटर फिल्म है। आई होप इन फ्यूचर मुझे इससे बेनिफिट मिले। और यही कहना चाहेंगे कि जो है इस फिल्म में हम लोग बहुत अच्छा वर्क करें और आप लोग का सहयोग मिले, और यही बताएँ। सर अभी हम बेसिकली 3 फिल्म के साथ काम कर रहे हैं, उसमें से एक सलमान खान फिल्म के लिए भी काम है, और या इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अस। बट अपार्ट दैट ये फिल्म हमें लगभग 1 साल पहले ऑफर हुई थी, और उस समय हम गाने पे प्रैक्टिस, मतलब हम गाने पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे कि क्या सर एक्चुअली स्क्रिप्ट पे अराउंड 1 साल से लेकर है, तो जो हम तक जो स्क्रिप्ट पहुँची थी वो हॉरर थ्रिलर और दोनों का मिक्सचर था। तो जो दो गाने जो हमने अभी तक पुट ऑन करे हैं इस फिल्म में, उसमें जो अभी तक दो गाने हैं बहुत, एक लव रोमांटिक ट्रैक है और एक पार्टी नंबर है, एक डांस नंबर है, मतलब दोनों जब निकलेंगे, एक इतना सेंशुअल ट्रैक है, इट्स अ पार्टी नंबर, स्लो ट्रैक, स्लो रोमांटिक थ्रिलर ट्रैक, और उसके बाद एक पार्टी नंबर है, वो बहुत डांस नंबर है, आपको बहुत मजा आएगा। जोड़ी है ये, मतलब जी 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 अभिषेक अमोल की। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बेसिकली साथ में 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, और जैसा कि अभिषेक ने बताया अभी तक 2-2.5 साल में हम लोगों ने 3 फिल्म साइन करी एक सर की फिल्म में। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और गाने की अगर मैं बात करूँ, गाना इतना प्यारा है, जब वो दोनों गाने आएंगे, जैसे पहला जो लव नंबर है, इट्स अ सेंसुअल ट्रैक, वो बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। दूसरी जो पार्टी नंबर है, इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल डांस नंबर, इट्स वेरी कैची, वेरी कैची, वेरी कैची, उसमें रैप है वगैरह सब कुछ है, तो थैंक यू सो मच। और लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं, और जी हम दोनों ही लिखते हैं लिरिक्स, और गाने भी वैसा मजा आएगा सुनकर। थैंक यू।